हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके अपने कब्जे में कर ली है और अब हम मनुवादी ताकतों के गुलाम बने हुए हैं। हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अपनी संपत्ति को बचाना है। तो कहां जाए बहुजन समाज? अब क्या रास्ता है बहुजन समाज के पास? साहब कांशीराम ने उसी आर्टिकल में लिखा है कि पैरिटी नहीं पैरिटी चाहिए, चैरिटी नहीं चाहिए, पैरिटी चाहिए। अंग्रेजी में लिखा है। चैरिटी का मतलब क्या है? भिखारियों को, इस देश के 80 करोड़ बहुजन समाज के लोगों को भिखारी बनाकर 5 किलो अनाज दे दो, ये तो है चैरिटी। और साहब कांशीराम क्या कहते थे? हमें पैरिटी चाहिए। पैरिटी को कोई पूछता नहीं है। जहां से मैं आता हूं, हरियाणा से, अभी 3 दिन पहले तक वहां के मुख्यमंत्री पंजाबी समाज से थे और वहां के भाजपा के नंबर 2 के मंत्री भी पंजाबी समाज से थे। पंजाबी समाज की संख्या हरियाणा में 0.5% भी नहीं है। मुख्यमंत्री भी पंजाबी समाज से, नंबर 2 का मंत्री भी पंजाबी समाज से, जो निर्णय लेते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, और उप मुख्यमंत्री जाट समाज से, और जो 30-32% दलित हैं और उसके अलावा 40% बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनका कोई भी मंत्री निर्णायक परिस्थिति में हरियाणा की सरकार में नहीं था। तो ये चैरिटी उनको क्या दिया है? उनको मंत्री बनाया है सोशल वेलफेयर, पंचायती राज। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री वही है, पुलिस उन्हीं के अंतर्गत है, पुलिस उन्हीं के अधीन है जो हम पर अत्याचार करते हैं, जिनके लोग हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, पुलिस उनके अंतर्गत है, उनके अधीन है। तो ये क्या है? ये भी एक किस्म की चैरिटी ही है। तो हमें पैरिटी चाहिए, जैसा कि कांशीराम ने कहा था। हमें आत्म सम्मान चाहिए। ये लड़ाई आत्म सम्मान की है, ये लड़ाई बराबरी की है, ये लड़ाई आप सब लोगों को भारतवर्ष का शासक बनाने की है। संपूर्ण राज्य अशोक सम्राट के बाद इस देश में बहुजनों का कभी नहीं हुआ, वही सपना है। और आदरणीय एक बहुत बड़े लीडर ने अभी दिल्ली में कहा था कि माननीय साहब से जब पत्रकारों ने पूछा था कि आप क्या देख रहे हैं भारत के बारे में, तो साहब कांशीराम ने कहा था कि मैं भारतवर्ष को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। यानी कि पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण बहुजन शासन जब तक स्थापित नहीं हो जाता, कांचीराम के सपने अधूरे ही रहेंगे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी तन मन धन से आपके बीच में हैं, लगे हुए हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कभी भी भविष्य में उनका साथ ना छोड़ें। उनकी जो सपोर्ट बेस है, उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, एक आज यहाँ पे जो 6-7 हजार 10 हजार के करीब लोग आए हैं, एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को महाराष्ट्र में जोड़े तो हम 10 लाख बन सकते हैं और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी शक्ति उभर कर हम बन सकते हैं। आपका बहुत समय मैंने लिया, माने साहब को सुनने के लिए आप बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद पृथ्वीराज जी। इसके पश्चात इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी से गुजारिश करूंगा कि भी हमें मार्गदर्शन करें। आज की इस चुनावी रैली के मार्गदर्शक बहुजन रिपब्लिकन सोशल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई डॉक्टर सुरेश माने साहब, उत्तर प्रदेश से आए हुए मेरे साथी
प्रोफेसर राम बक्स वर्मा जी पूर्व सांसद, शिव प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक, भाई साहिब सिंह धनकर जी, बीआरएसपी के उत्तर भारत के प्रभारी, जो भी आपके बीच में आपसे संबोधित आपको कर रहे थे, भाई पृथ्वीराज जी, सम्मानीय मंच, आदरणीय बहनों, देश का भविष्य नौजवान दोस्तों, आदाब, जय भीम, सलाम वालेकुम। मैं आज दोबारा माने साहब के द्वारा आयोजित रैली में आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और ये उनकी अनुकंपा मोहब्बत है कि वो बुलाए और मैं ना आऊं, ये मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं मानता हूं कि भारत मूल निवासियों का देश है। भारत में 1100 सामाजिक इकाइयां देश की मूल निवासी हैं और मूल निवासियों में जो अगुवा, जो मार्गदर्शक होते हैं, वही मूल निवासियों की समस्याओं का हल तलाश करते हैं, हल बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। भाई सुरेश माने जी, मैं उनके संपर्क में गत 7 वर्ष से हूँ और मैं मानता हूँ कि माननीय कांशीराम जी के बाद कोई व्यक्तित्व देश में जो बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही संजीदगी और बड़े ही इस्तकामत के साथ लगा हुआ है कि देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनका राज कायम हो, उनमें माने साहब अग्रणी हैं। माने साहब को मैं पहले से भी ये जानता मानता रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमारी पार्टी का संबंध ज्यादातर दक्षिण भारत से है और माने साहब बहुजन समाज पार्टी में दक्षिण भारत के कोऑर्डिनेटर थे। पूरा उनके जिम्मे इंचार्ज शिफ्ट थी, तब से उनका नाम, उनका जिक्र आता रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी में बाकायदा कभी सदस्य नहीं रहा, लेकिन बहुजन समाज का सदस्य अवश्य रहा हूं। मैं 57 साल से मुस्लिम राजनीति में रहा हूं। अब इंडियन नेशनल लीग बनाई है, हमारे पूर्व, हमारे बुजुर्ग संस्थापक अध्यक्ष ने नया नाम, नए काम, नए इरादे, नई उमंगों के साथ, लिहाजा अब हम इस अपनी पार्टी के नाम से, इंडियन नेशनल लीग के नाम से जो काम कर रहे हैं, वो बहुजनों से सहयोग लेने और देने का हमारा संकल्प है। माने साहब जब बंबई में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे और लोग भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन माने साहब का चुनाव जीतना, सम्मानजनक वोट लाना बहुजन समाज के हित में था। माने साहब इसकी गवाही देंगे कि मैं उनके साथ 1 हफ्ता तक बंबई में था और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ रहे थे, बाला साहब ठाकरे का पोता लड़ रहा था, मुख्यमंत्री का बेटा लड़ रहा था, हेलीकॉप्टर से कंपेनिंग कर रहा था। आप समझ सकते हैं इन पार्टियों के पास अकूत धन होता है और माने साहब की स्थिति आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी माने साहब ने जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया और मैंने भी अल्पसंख्यक समाज में रहकर जो काम किया, तो जितना भी वोट पड़ा, अल्पसंख्यक समाज के 70-75% वोटों में वोटरों ने माने साहब को वोट दिया। माने साहब ने बाद में मुझे बताया कि जो गिनती हुई तो उसमें इन बूथ का वोट हमें बहुत मिला, 80%, 75%, 70 से ज्यादा ही मिला। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की बात करें, उसके लिए हमें तन, मन, धन सबको निछावर कर देना चाहिए। हमारे इस्लाम में, कुरान में ये बात आई है कि मजलूमों की लड़ाई जो मैदान में कर रहा हो, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसमें धर्म न देखो, उसमें क्षेत्र न देखो, उसमें भाषा और लिंग न देखो। हमारा फर्ज है, रमजान का महीना है, मैं आया था, रोजा खोलने मस्जिद चला गया था,
मैं 75 साल से ज्यादा हूँ। रमजान में आमतौर पर सफर के लोग घर में रह के रोजा रखते हैं, सफर नहीं करते, लेकिन माने साहब बुलाए सुले मानना है ये संभव नहीं है, ये आखिरी सांस तक बड़ा संकल्प है। इसलिए देश का भला तभी होगा जब किसी भी बहुजन इनकलाब के साथ देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमान जुड़ जाए, और वो प्रतीक्षा कर रहा है। अब वो उत्तर प्रदेश के बहन मायावती जी से उसका मोह भंग हो चुका है। बहन मायावती जी की स्क्रिप्ट नागपुर से लिखी जाती है और वो बेचारी प्रेस क्लब में पढ़ दिया करती है। तो हम नागपुर ये कहने के लिए आए हैं, आपसे गुजारिश विनती करने के लिए आए हैं आपकी अदालत में, कि जो भी बहन मायावती का मोह कहीं रखते हैं वो आपके मित्रों में, आपके साथियों में, उनसे बताइए कि मायावती अब आजाद परिंदा नहीं है, वो बेचारी तोता गुलाम है, कबूतर गुलाम में नहीं है। तो ऐसी तोता गुलाम से, ऐसी तोता चश्म बहन से, जो दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई हो, उससे अब बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो खाली जगह हुई है, रिक्त स्थान हुआ है, उसको डॉक्टर सुरेश माने के द्वारा ही बहुजन समाज पूर्ण कर सकता है। हम तुम्हारे, मैं भारत के मुसलमानों के साथ 57 साल से हूँ और मुस्लिम सारे संगठनों में हूँ। माने साहब के बारे में भारत के सब मुसलमान टकटकी निगाह लगा कर देख रहे हैं कि माने साहब की क्या बात आती है, माने साहब क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। यकीन जानिए, जिस दिन माने साहब को हमारे दलित आदिवासियों ने कंधे पे बिठा लिया, देश का 25 करोड़ मुसलमान उनके लिए आंखें बिछा देगा। माने जरूरत माने है, इस देश की जरूरत काशी राम के बाद किसी दूसरे व्यक्तित्व से पूरी नहीं की जा सकी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, हमें भी माने साहब से सुनना और जानना है। ही इज अथॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैं उन्हें कभी कभी कोट भी करता हूँ, एक ही विनती करते हुए मैं जाऊंगा, वो बहुत बिजी हैं। मैंने उनसे 5 साल पहले गुजारिश की थी कि आपने पूना पैक के संबंध में किताब मराठी में लिखी है, और उन्होंने बताया था कि पूना पैक इज अ ब्लॉट इन द हिस्ट्री। मुझे याद जहाँ तक पड़ता है, लेकिन हम मराठी थोड़ी थोड़ी हिंदी देवनागरी की वजह से पढ़ तो सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं। देश मुंतजर है कि किस तरह कांग्रेस के महासभाइयों ने बाबा साहब को घेर करके उन्हें 1932 में पूना पैक्ट कराया था। अगर वो पूना पैक्ट घेर के न हुआ होता, ये हिस्ट्री का ब्लॉट न होता, तो आज भारत का बहुजन समाज देश का शासक होता, और उसे शासक बना के ही हमें दम लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन। धन्यवाद प्रोफेसर मुजफ्फर साहब। मुझे आपके सारे भाषणों से ये गारंटी हो गई है कि माने साहब ये मूवमेंट, माननीय कांशीराम जी की ये मूवमेंट रुका हुआ कारवा गारंटी के साथ में अपने पूरा जो सफर है वो तय करेगी। और इसी के साथ में मैं बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब से गुजारिश करता हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। माने साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माने साहब संघर्ष करो, माने साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अरे देश का नेता कैसा हो, माने साहब कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, माने साहब कैसा हो, अरे देश की मजबूरी है, माने साहब जरूरी है। बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को, खास करके आज 15 मार्च साहब श्री कांशीराम जी के जयंती के दिन पर उनको नम्र अभिवादन करते हुए BRSP विदर्भ प्रदेश द्वारा नागपुर के इस ऐतिहासिक इंदौरा मैदान में
आयोजित इससे बड़ी जनसभा में जिसका आयोजन विदर्भ प्रदेश के साथियों ने किया, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जिन साथियों ने तन मन धन से आज की विशाल चुनाव रैली की जनसभा जिसका आयोजन किया, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां लगाकर उनका शुक्रिया अदा करें। साथ ही साथ इस मंच पर काफी लंबे समय से लेकिन बहुत संक्षिप्त में जिन्होंने अपने विचार रखे, आदरणीय बड़े भाई साहब प्रोफेसर सुलेमान जी, डीजीपी पृथ्वीराज जी, प्रोफेसर राम बक्स वर्मा जी, हमारे भैया जी साहब सिंह धनगढ़ जी, हमारे बसपा के पूर्व विधायक आदरणीय शिवपाल यादव जी, अब ये शिव प्रसाद जो नाम है तो यादव जी का कहना है कि माने साहब अक्सर मेरा नाम गलती होती है। मैंने दो पर उनको मजाक से कहा कि शिव के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता, इसलिए गलती होना स्वाभाविक है। वो भी पधारे, समय के अभाव के कारण इस मंच पर मेरे तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट पद्माराव यहां मौजूद है, तेलंगाना स्टेट के प्रभारी प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वेंकट दास ये भी मौजूद है। समय के अभाव के कारण मेरा मध्य प्रदेश का साथी मनोज वो भी यहां मौजूद है। दूसरे हमारे महाराष्ट्र के आदिवासी विचारवंत नेता प्रोफेसर आदरणीय एल के मडावी वो भी इस मंच पर मौजूद है। ये समय के अभाव के कारण वो अपनी बात नहीं रख पाए, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय के अनुसार मीटिंग को कुछ समय तक चलाना ये आयोजकों की मजबूरी होती है और इसलिए उन्होंने यहां चलकर आए। तेलंगाना से तो वो एक पूरी बस भर के आए, हैदराबाद से 550 किलोमीटर से ज्यादा। मूवमेंट का जज्बा अगर पैदा होगा तो शैतानों को भी पैर तले दबाने की ताकत आ जाती है। हैदराबाद से नागपुर लंबा कौन सी बड़ी बात है, वो पैदल चलकर नहीं तो गाड़ी से लेकर आए। मेरे गढ़चिरौली के साथी जंगल वाले हैं, क्योंकि गढ़चिरौली बोले तो सारे को जंगल ही कहा जाता है, वो भी लगभग 6-7 बड़ी गाड़ियां भर के आए। उनके भी सम्मान में तालियां एक बार बजा दो। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह चुनाव का समय है और चुनाव के समय में बीआरएसपी की इतनी बड़ी रैली, इतनी हाईटेक, दोनों तरफ एलईडी, पैसा कहां से आया? कांशीराम जी के ऊपर भी आरोप लगा, कांशीराम जी ने तो जवाब देते हुए कहा सरकार आपकी है, यंत्रणा आपके हाथ में है, ढूंढ लो कांशीराम जी के पास पैसा कहां से आता है, और अगर ढूंढने में तुम्हारे औकात नहीं है, ये तुम्हारी सरकार नहीं किसी गैर लोगों की सरकार है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था
वो मैं आज इस मंच से नहीं कर रहा, वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसीलिए बीआरएसपी की चुनाव समय में नागपुर जैसे इंदौरा नगर में ये रैली होना, तो मेरे आवाज इंडिया के साथी बैठे हैं सामने, वो जानते हैं कि हमारी फंडिंग कहां से आती है, आप भी जानते हो। फिर भी कुछ टीकाकारों के लिए, कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों के लिए, यहां जो भी ग्राउंड में बैठा है, यहां जो भी चलकर, चाहे वो टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से आया है, वो अपने पैसों से आया है, किसी दलाल के मेहरबानी से नहीं पहुंचा है, किसी भंडवलदार के समर्थन से नहीं पहुंचा है। वो अपने फुले शाहू अंबेडकर के, बहुजन आंदोलन के, साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर, धन भी मेरा, तन भी मेरा और दिमाग भी मेरा, ये जो समझ चुका है, ऐसे इस लोग मैदान में है। और इसलिए आप सभी के लिए, आप खुद आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन टीकाकारों को जवाब दे दे। आज 15 मार्च, जब 15 मार्च डेट तय हो गई सुलेमान जी, तो मेरे साथी कह रहे थे साहब आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगेगी तो मुश्किलें आएगी। और मैंने उनको मजाक में कहा था, डरो मत, आचार संहिता नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आजकल हर कोई गारंटी बांट रहा है, तो हम भी क्यों ना बांटे भाई। और गारंटी बांटने में किसका क्या जाता है, गारंटी देने में जाता क्या है? कोई छोटे लेवल पे गारंटी देता है, कोई बड़े लेवल पे गारंटी देता है। तो मैंने कहा यार मेरी गारंटी है, फिक्र मत करो, 15 मार्च को आचार संहिता नहीं लगेगी। और अच्छा हुआ बीच में एक चुनाव आयोग के सदस्य ने इस्तीफा दिया, अपने को समय मिल गया। तो शुक्रगुजार है चुनाव आयोग के सदस्यता का जिसने इस्तीफा दिया, 2 दिन लंबित होना पड़ा। और ऐसे माहौल में ये जब रैली हो रही है, तो आपके मन में सवाल होंगे कि चुनाव आ रहा क्या होगा, कैसे रास्ता तय होगा, क्या हम करेंगे। और इसका जवाब इस मंच के नीचे बैनर पे इधर 3 लाइनों में लिखा है, उसका जवाब ये स्टेज के नीचे 3 लाइनों में जवाब लिखा है कि जब चुनाव आएगा तो आपको क्या करना है, आपको कौन से हथकंडे को अपनाना है। और उसी हथकंडे को अपना कर ये जो स्टेज के सामने वाला बैनर नीचे दिख रहा है, उस बैनर को आपको फॉलो करना है, उस बैनर के मैसेज को आपको फॉलो करना है। और बाबा साहब ने आपको दिए हुए वोट के ताकत का परिणाम क्या होता है, वो यहाँ देश के हुक्मरानों को दिखाना है। यही आज के रैली का एक बड़ा संदेश है, उस संदेश को लेकर आप लोगों को यहां से जाना होगा। जब यही संदेश अगर इस रैली का, तो कांशीराम जी के जयंती के साथ भी जोड़ दिया, क्योंकि आज 15 मार्च, 15 मार्च आज साहब की जयंती है, अब बहुत जल्दी बाबा साहब की जयंती आएगी। आप लोग बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती करोगे, जयंती मनाने में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन आरएसएस वाले हेडगेवार की जयंती नहीं करते, आरएसएस वाले सावरकर की जयंती नहीं करते, वो उनको अपना महापुरुष मानते हैं,
हेडगे वर्ग को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, सावरकर को अपना आइडियोलॉजिकल एक बड़ा सर्वोच्च नेता मानते हैं, लेकिन वो उनकी जयंती नहीं करते, उनके नाम पे सरकार बनाते हैं। और हमारी कमी क्या है? हम अपने महापुरुषों के नाम पे जयंती बड़ी करते हैं, जयंती धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन महापुरुष जो सरकार बनाने की बात कहता है उस बात की तरफ ध्यान बहुत नहीं देते। परिणाम यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे और कोई प्रदेश हो, ताकत तो बहुजन समाज की है, ताकत तो फुले शाह अंबेडकर वाले लोगों की है, मानने वालों की है, चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक कोई भी हो, ताकत तो है लेकिन बिखरी बिखरी है। और बिखरी हुई ताकत के लोग हुकुमरान नहीं बनते, बिखरी हुई ताकत के लोग हुकुमरान नहीं बनते। इसीलिए तो साहब श्री कांशीराम जी को कभी नारा देना पड़ा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब जाति तोड़कर आप समाज को जोड़कर आगे बढ़ोगे तो एक नई शक्ति होगी, उसी से आपकी वोट बैंक पैदा होगी, और वोट बैंक के सहारे आप इस देश में हुकुमरान बन सकते हो। इतना हथियार आपके हाथ में बाबा साहब ने दिया है, उसका इस्तेमाल करने की ताकत बढ़ाइए। आज नागपुर में कांशीराम जी के जयंती के मौके पर 2-3 जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी तो खत्म हुए होंगे। आप कहेंगे मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, छोटे प्रोग्राम का बड़े मन से जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कांशीराम जी जिंदा थे तो उनको गाली गलौज करने वाले लोग भी आज कांशीराम जी की तस्वीर लगाकर कहते हैं हम भी कांशीराम जी का आंदोलन चलाते हैं। शर्म वो करे कि उनको स्वीकारने वाले लोग शर्म करें, ये उनके ऊपर छोड़ देते। लेकिन जब चुनाव के माहौल में खास करके हर जगह में 2-3 बातें सुनाई पड़ती है, खास करके बाबा साहब को मानने वाले लोगों के बस्ती में, उनके सामाजिक संगठनों के बस्ती में, उनकी चर्चाओं में, उनके सेमिनार और डिबेट में क्या चर्चाएं मिलती है? चर्चा ये मिलती है कि अपने देश का संविधान खतरे में, अपने देश का लोकतंत्र खतरे में, यही चर्चा आजकल सुनाई देती है। और ये चर्चा का अंत कहां होता है? ये चर्चा का अंत यहां होता है कि अगर हमें संविधान और प्रजातंत्र या लोकतंत्र की हिफाजत करनी है तो हमें किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से हटाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस तरह का अनुमान निकालकर उस चर्चा का अंत होता। यह चर्चाएं हमारे इलाके में क्यों होती है? इसका पहला संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। दलितों के मोहल्ले में, अल्पसंख्यक समुदाय के मोहल्ले में यह चर्चाएं ब्राह्मण समुदाय के बीच में क्यों नहीं होती? ये चर्चाएं ओबीसी समुदाय के बीच में क्यों नहीं होती? ये चर्चाएं आदिवासी समुदाय के बीच में क्यों नहीं होती? हमारे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों के सामने संविधान खतरे में है, ये खतरा नजर क्यों नहीं आता? उनके सामने लोकतंत्र खतरे में, ये खतरा उनको नजर क्यों नहीं आता? पूना में रहकर एक सोफिस्टिकेटेड जिंदगी जीने वाले लोगों को संविधान लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरा महसूस क्यों नहीं होता? ये खतरा सिर्फ अंबेडकर वादियों के बस्ती में ये खतरा लाया जाता है और हर बार इसी की दुहाई दी जाती है कि हम सारे खतरों में। अरे भाई, 1950 में जब संविधान देश ने एक्सेप्ट किया तब भी कि इनको ने थोड़ा माना था। क्या इन्होंने माना था संविधान को? क्या इनको संविधान के मानने वाले लोग हैं?
और जब यह संविधान को मानने वाले लोग नहीं है तो आज उस संविधान को मानेंगे ये कैसे आप समझते हो? कोई सवाल नहीं आता। अगर संविधान को ये मानने वाले होते तो 1950 में ही कहते कि बाबा साहब को इस देश को बड़ी देन है और उसी संविधान को हम मानकर चलते हैं। लेकिन उस बात को कोई पहल नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। फिर 1965 में आया था, यही समय था, तब भी संविधान को खतरा पैदा हुआ था। 64-65 में संविधान को खतरा पैदा हुआ था, देश में किताबें लिखी गई थी, तब भी देश के संविधान को खतरा दिया था। उसके बाद में 1977-75 के बीच में इमरजेंसी के कालखंड में कांग्रेस के हुकूमत में संविधान को उल्टे से नीचे करके दिखाया था, तब भी खतरा हुआ था। कांग्रेस में रहने वाले लोगों ने लोकतंत्र को मिटाकर अध्यक्षीय लोकशाही का पुरस्कार करने वाले यहाँ नागपुर के वसंतराव साठे थे, महाराष्ट्र के अंकुले थे, यही कह रहे थे अध्यक्षीय लोकशाही होना चाहिए, संसदीय लोकशाही को मिटाना चाहिए। किताबें लिखी गई 1993 के बाद, अरुण शौरी जैसे लोगों ने संविधान मिटाने की भी बात कही। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि 1950 से लेकर भारत के संविधान को बदलने का, हटाने का जो नापाक ताकतें हर बार कोशिश कर रही है, वो हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सामने हार का सामना देखती नजर आई है। वो हमेशा हारती हुई नजर आई है। और इसलिए बाबा साहब की सच्ची औलाद होने के नाते मैं विश्वास के साथ फिर एक बार आपको गारंटी देता हूं कि ये नापाक ताकतों के इरादे कभी भी सफल नहीं होंगे। उनके भी इरादे इसी चुनाव में वो हारते हुए नजर आएंगे। इस बात को भी आपने अच्छी तरह से समझना चाहिए। सिर्फ रोने चिल्लाने से, नारे देने से, शराब पीकर दूसरे पार्टी के दलाल करने वाले भड़वे नेता और कार्यकर्ता समाज को बदलने का काम नहीं कर सकते। नागपुर में बुद्ध मिहार की मूवमेंट चलाने वाले लोग बहुत हैं। चलो बुद्ध की ओर, और चुनाव आता है, चलो गडकरी की ओर, चलो फडणवीस की ओर। क्यों नहीं? इन्होंने ही तो हमारे बुद्ध विहार की गिरती हुई दीवार बनाने के लिए आर्थिक मदद की। जो हमारे बुद्ध विहार में जो मूर्ति है ना बुद्ध की, डोनेशन इन्होंने ही दिया। कितने उदाहरण चाहिए? मुझे मालूम है, मेरे ये जाहिर रूप से कहने से वो कल मेरे ऊपर टीका जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिसको सही रास्ते पर चलना है उसने टीका की कभी परवाह नहीं करनी होती है। उस टीका की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। कम से कम मोदी से तो ये सीख लो। देखो, मोदी ने पार्लियामेंट में खुलकर कहा, देश में कोई भी कौन से कोने में चिल्लाता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब वो खुद इतने इंडिपेंडेंट होकर देश के कोने कोने में चलते तो हम क्या डर डर कर अपना समाज को तैयार करेंगे? क्या डर डर के अपने वोटर को तैयार करेंगे? और क्या डर डर कर फुलेश अंबेडकर राजनीति खड़े कर पाएंगे? एक तरफ कांशीराम जी के हा में हा मिलाना और दूसरे के दरबार के सामने हाजिरी देना, ये कांशीराम जी की मूवमेंट के चेलों का काम नहीं, ये बाबा साहब के बंदों का काम नहीं है। क्या उस रास्ते पर चलना नहीं चाहिए? और इसीलिए पिछले 8 साल से, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, हमारे डीजीपी साहब हरियाणा से, हिमाचल में उन्होंने हाल ही में खोला पार्टी का शाखा। नागपुर के चिल्लाने वाले लोग अपने एरिया में चिल्लाते रहे, चुनाव के बाद पंजाब में भी बीआरएसपी की पार्टी की शाखा खुलेगी। इस बात को समझ लेना। इससे मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूं? मैसेज ये है
बाबा साहब के जमाने में देश के शोषित समाज के लोग इकट्ठे होकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब चले गए, लड़ाई रुक गई। कोई कांशीराम शख्स आया, फिर उन्होंने कोशिश की, सफल कोशिश की, नाकामयाब कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश की, और जम्मू कश्मीर से लेकर पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल तक, और गुजरात से लेकर कोहिमा अरुणाचल प्रदेश तक देश का शोषित समाज फिर नीले झंडे के तले इकट्ठा लाया। कांशीराम चले गए, फिर बिखराव शुरू होगा। अरे भाई, कांशीराम जी ने अपनी इनिंग खेली, बाबा साहब ने अपनी इनिंग खेली, आप अपनी इनिंग कब खेलोगे? आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब उठाओगे? और इसी एहसास उठाने के पवित्र भावना से देश के कोने कोने में बिखरे हुए लोगों को इकट्ठे जोड़कर बहुजन समाज की ताकत पैदा करके हुकुमरान के टिंब टिंब के ऊपर लात मार कर उनको सत्ता से भगाना है, यह बीआरएसपी का मकसद है, यह बीआरएसपी का लक्ष्य है। अब टिंब टिंब का मतलब तो समझ गए होंगे, खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? समझे तो हाथ उपा कर मुझे बता दो कि हम समझ गए कि टिंब टिंब का क्या मतलब होता है, क्योंकि वो भाषा में अक्सर कभी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब दलाल लोगों की फौज दिखती है, बहुत से आजू बाजू में घूमते हुए नजर आते हैं, तो रहा नहीं जाता। एक तरफ अपने लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करना और दूसरी तरफ दलालों का मनोबल गिराना, ये दुहेरी तंत्र को अपना कर बहुजन मूवमेंट खड़ी करनी होती है। कांशीराम जी ने इसीलिए चमचों को लताड़ा, और मैं कांशीराम जी का चेला होने के कारण किसी भी चमचे और दलाल को अपने नजदीक आने नहीं देता, उनको भी लताड़ने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं। किसी शायर ने कहा है कि जब तक तुम्हारे बीच कोई गद्दार पैदा ना होगा, जब तक तुम्हारे बीच कोई गद्दार पैदा ना होगा, वादा है तब से, वादा है तुमसे मेरे दोस्तों, तब तक तुम पे कभी वार ना होगा। ये जो नीति होती है, अब चुनाव के समय में महाराष्ट्र में देख रहे, महाविकास आघाड़ी किसको बुला रही है? इसको बुला रही है। किसको बुला रही है? जिसका एक ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं है उसको बुला रही है। नाम लेना जरूरी है? नाम लेना जरूरी है? एक ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं। ये हमारे आघाड़ी में सुलेमान साहब ने जिक्र किया, 2019 में इसी भावना को लेकर मैं महाविकास आघाड़ी के साथ था। आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, मैंने खुद चुनाव लड़ा, खुद के पैसे से लड़ा, खुद के पैसे से। बाबा साहब के मेहरबानी से प्रोफेसर हूं, वकील हूं, उतनी ताकत रखता हूं, किसी भिखमंगी के पास जाता नहीं हूं, खुद के। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया, तो पिछली बार नाना करके इधर उधर जाने वाले लोगों को नजदीक करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि माने साहब हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते, हमारे अंदर नहीं रह सकते। वो तो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी चलाने में विश्वास करते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाने में विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसे लोगों को हम आगे नहीं कर सकते। हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप भी अच्छी तरह से समझ लो कि इस देश में अंबेडकराइट मूवमेंट, बाबा साहब की राजनीति खड़ी हो, ये कोई नहीं चाहता। कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते, बीजेपी वाले तो कतई नहीं चाहते, और दूसरे महाराष्ट्र के शिवसेना वगैरह वगैरह जो भी दल है, वो ये नहीं चाहते कि अंबेडकराइट पॉलिटिक्स मजबूत हो, अंबेडकराइट राजनीति मजबूत हो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि अंबेडकराइट पॉलिटिक्स उनके दरवाजे बाहर हाथ लेके कटोरा खड़ी रहे, मांगने वाली जिंदगी भर बनती रहे। लेकिन कांशीराम जी ने हमें, बाबा साहब ने हमें
मांगने वाले नहीं कहता, वो मांगने वाले बनकर रहो, इस तरह की राजनीति करने वालों को नहीं कहता। और इसलिए हम मांगने वालों से नहीं है, हम तो देने वालों से है। और देने वाला कौन होता है? जिसके पास ताकत होती है, वो ताकत के आधार पर वो देने वाला बन सकता है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन के राजनीति को हम ठुकरा देते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं। यहां मंच पर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे हरियाणा के, चाहे तेलंगाना के हो, ये कम से कम 100 सीटों पर किसी का खेल बना भी सकते हैं, किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। ये दोनों ताकत वाले लोग हैं। और अगर हम किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं तो हमें अपना खेल बनाना आना भी चाहिए ना। हमेशा खेल बिगाड़ते रहो, 2014 बिगाड़ो, 2019 बिगाड़ो, 2024 बिगाड़ो, फिर 2029, तब चुनाव आयोग कहेगा लोकसभा और असेंबली साथ में ले लो, और मुश्किल। तो हम और तुम खड़े कब होगे? अपनी राजनीति कब कर पाएंगे? इसका मतलब आपका कहना होगा, आपके मन में होगा, कुछ सुनने वाले बॉर्डर पे खड़े होने वाले इनके मन में सवाल होगा कि क्या भाजपा और आरएसएस को मदद करेंगे, क्या उनको विरोध नहीं करेंगे? अरे विरोध तो हम जितना हम करते हैं ना, उतना कांग्रेस भी नहीं करती। जितना हम करते हैं, सुलेमान जी करते हैं, यहाँ के वर्मा जी करते हैं, शिव हमारे यादव जी करते हैं, उतनी तो कांग्रेस भी नहीं करती। कांग्रेस भी छुपे छुपे कहती है, हम भी तो सनातन धर्म को मानते हैं, हमारा भी तो हिंदुत्व है। क्या ये सच्चाई नहीं? क्या ये सच्चाई नहीं? मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, हम भी तो सनातन धर्म को मानते हैं, दबी आवाज। अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिमाचल से एक कांग्रेस का मंत्री उस प्रोग्राम में हाजिर था, एक कांग्रेस का मंत्री। आधी कांग्रेस संघ वाले लोगों की भरी पड़ी है, थोड़े बहुत लेफ्ट विचारधारा के लोग, वो एक आर्थिक लेवल की जंग लड़ते हैं, छोटे मोटे ईमानदार अंबेडकरवादी विचारधारा की जंग लड़ते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां कौन सा जंग लड़ती है? एक राहुल गांधी छोड़ दे तो कौन सा नेता अदानी के खिलाफ बोलता है? एक राहुल गांधी छोड़ दे और थोड़े बहुत अभी खड़गे जो छोड़ दे तो कौन सा कांग्रेस का नेता बीजेपी से लोहा लेने की ताकत रखता? और बीजेपी के साथ लोहा लेना यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह असली लड़ाई विचारधारा की है। और इस विचारधारा में संघ की विचारधारा के खिलाफ कोई मजबूती से खड़ा रह सकता है तो फटा पुराना गरीब अंबेडकर वादी ही खड़ा हो सकता है, और कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई और खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए बीजेपी वाले भी बाकी किसी को नहीं डरते, लेकिन नीले झंडे वालों को देखकर जरूर डरते हैं, जरूर डरते हैं। ये नीले झंडे के पीछे ताकत कितनी है, यह अलग सवाल है, लेकिन उस नीले झंडे के पीछे अंबेडकर की ताकत छिपी हुई है, बाबा साहब की ताकत छिपी हुई है, उस ताकत को वो डरते हैं। और इसलिए आज नहीं तो कल आखिरी जंग कभी न कभी तो आपको लड़नी होगी ना। ये विचारधारा की जंग इंस्टॉलमेंट में नहीं लड़ी जाती, ये सत्ता के मैदान में सिर्फ नहीं लड़ी जाती, और लड़ी जाती है तो देखो डीएमके वाले तमिलनाडु में लड़ रहे हैं ना। डीएमके वाले तमिलनाडु में कहते हैं ना, अगर तुम्हारा सनातन धर्म जाति को मानता है तो ऐसे धर्म को हम नहीं मानते, अगर तुम्हारा सनातन धर्म स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता है तो हम ऐसे धर्म को नहीं मानते, अगर तुम्हारा सनातन धर्म छुआछूत को मानता है तो ऐसे धर्म को हम नहीं मानते। क्या ये भाषा कांग्रेस वाला बोल सकता?
क्या इस भाषा का प्रयोग कोई और पार्टी वाला कर सकता है? क्या तेलंगाना में इस भाषा का प्रयोग केसीआर कर सकता है? क्या हरियाणा में इस भाषा का प्रयोग कोई सैनिक कर सकता है? कौन कर सकता है? इनमें उतनी ताकत नहीं है। और इसलिए हम ये जो चुनाव रैलियां करती है वो सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, समाज बदलना इतना भी जरूरी है। और जिस दिन समाज बदलेगा सरकार अपने आप बदलेगी, क्योंकि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार होती है। तो हमें उस समाज की खोज है जो समाज मानवतावादी भूमिका को आगे लेकर चलेगा। उतनी तगड़ी भूमिका लेनी चाहिए। अगर यह भूमिका नहीं अपनाई तो राजनीति आती जाती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। यही कांशीराम जी की भाषा को समझो, यही कांशीराम जी की अपल को समझो। कांशीराम जी के फोटो लगाना और उनके विचार को एक्सेप्ट करना जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए जब देश के कोने कोने में कारपोरेट के सहारे, मीडिया के सहारे यहाँ के लोग सत्ता में बड़े बैठे हैं, और कारपोरेट का मतलब क्या है? कारपोरेट का मतलब क्या? कारपोरेट का मतलब जो आज के सारे मीडिया में खबरें आ गई, उस खबरें से पता चला, क्या पता चला? कि इस पार्टी को इस कंपनी से इतने पैसे मिले। वो भी छिपाना चाहते थे, छिपाने की कोशिश की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस वाले, बाकी दल वालों, इन्होंने उनके पीछे लगना चाहिए था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके मोदी सरकार अपने काले काम को छिपाना चाहती है, तो काले काम देश के सामने किसी भी कीमत पर आने चाहिए। इसलिए अपोजिशन पार्टी को बहुत एग्रेसिव होना बहुत जरूरी था। लेकिन ना स्टेट बैंक के खिलाफ कोई आता, लेकिन स्टेट बैंक में स्टेट बैंक की कर्मचारियों की यूनियन है। वो यूनियन ने कहा कि स्टेट बैंक के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, स्टेट बैंक के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक का अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता, मोदी सरकार, मोदी सरकार। कोई केंद्र सरकार नहीं कहता, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहता, सीधा सीधा मोदी सरकार। अब मोदी सरकार की यह कंसेप्ट है कि ऐसे चेयरमैन बनाए जाए तो करोड़ों रुपए लेते हैं। आंकड़े सामने आए, आंकड़े के मजेदार बात यह है कि ये जब आंकड़े आए ना तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पहले सीबीआई को उन कंपनी के दरवाजे पर भेजा, इनकम टैक्स वालों को भेजा, ईडी की रेड उनके कंपनियों के ऊपर की। और जब इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, इससे कुछ हाथ में नहीं लगा, तब इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लिए। मोदी जी, ये आपकी भ्रष्टाचार की गारंटी है, ये आपके भ्रष्टाचार की गारंटी है। आप ईडी को इस्तेमाल करते हो, सीबीआई को इस्तेमाल करते हो, इनकम टैक्स को इस्तेमाल करते हो, और उसी कंपनी को डरा धमका कर उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हो, और उसी का पैसा बीजेपी को करोड़ों में मिलता है। अब ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स करने वाले बीजेपी के लोग ये बात समझते हैं कि धन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कांशीराम साहब ने उसका रास्ता निकाला कि एक तरफ नोट होंगे और एक तरफ वोट होंगे। नोट हमारे तरफ कभी भी नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास वोट ज्यादा होंगे। और इस देश में कभी निर्णायक संघर्ष होगा तो एक तरफ नोटों वाले होंगे और दूसरी तरफ वोटों वाले होंगे। जंग नोटों वाले और वोटों वाले के बीच में होगी, और वोट वाले ज्यादा होने के कारण जंग वोट वाले जीत सकते हैं। यही बाबा साहब को विश्वास था। इसी विश्वास को
आने वाले चुनाव में भी दिखाओ ना। विश्वास रखना एक अलग बात है और दिखाना पड़ता है, विश्वास को साबित करना पड़ता है। और इसीलिए एक तरफ आप सोचते होंगे कि माने साहब अपनी पार्टी से किसी के साथ बात हो रही है कि नहीं, बात तो चल रही है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वो अपने काम में बिजी है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा हमें खाली होने दो, फिर आपके साथ दिल्ली में बुलाकर बात करेंगे। बात से क्या निकलता है मुझे पता नहीं, बात से क्या निकलता है मुझे पता नहीं, लेकिन क्या महाराष्ट्र के कांग्रेस वाले आपको उठकर थोड़ा बड़ा होने में मदद करेंगे? क्या शरद पवार की पार्टी आपको बड़ा होने देगी? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपको बड़ा होने देगी? मैंने आपको फिर एक बार कहता हूं कि ये सारे लोग कभी भी अंबेडकराइट पॉलिटिक्स को बड़ा होते हुए देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और इसीलिए तो प्रकाश अंबेडकर का बुरा हाल हो रहा है। पिछले साल कांग्रेस शादी करने के लिए तैयार थी, प्रकाश अंबेडकर दूल्हा बनने के लिए तैयार नहीं थे, शादी नहीं हुई। अब प्रकाश अंबेडकर शादी करने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी कहती है रुको आ जाओ होटल में, लेकिन बाहर ही बैठो, बाहर ही बैठो। बीच में खुलकर प्रकाश अंबेडकर की एक इंटरव्यू आई, उन्होंने कहा था हमें तो घुमाने के लिए हमेशा कोई लेके जाता है, लेकिन हमारे साथ कोई शादी ही नहीं करता। घुमाने को तो लेने के लिए सभी है, घुमाना चाहते लेकिन शादी कोई नहीं करना चाहते। उन्होंने हंसी मजाक में कहा, तो मैंने भी हंसी मजाक में उनका जवाब दिया था कि जिसको बाजार में हमेशा घूमने की आदत लगी है उसके साथ शादी कौन करेगा, उसके साथ शादी में कौन करेगा। अब यह मन की बात आपके ही है, आप सभी के लोग जानते हैं, लेकिन हिम्मत किसके पास है? हिम्मत होने के लिए ताकत लगती है, नीतिमत्ता लगती है, संगठन लगता है। और इसीलिए जब वर्ली के चुनाव में अक्टूबर 2019 में मैं महाविकास आघाड़ी के तरफ से उम्मीदवार बना, तो 6 दिसंबर को प्रकाश अंबेडकर की सभा हुई थी चैत्य भूमि पर, वीडियो उसका आपको यूट्यूब में मिल सकता है। और प्रकाश अंबेडकर जी ने उस सभा में कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने मेरा उदाहरण दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे माने साहब गए थे, माने साहब तो नहीं बोले, माने बोले, माने गए थे। क्या हुआ माने का, माने का क्या हुआ? यह प्रकाश अंबेडकर ने उस मीटिंग में सवाल उठाकर यह कहा था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। हालांकि बाला साहब अंबेडकर 98 का चुनाव अकोला से कांग्रेस के समर्थन से जीते, सिंबल पर जीते, 99 में भी सिंबल पर जीते, जब 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, गवई कवाड़े ये दोस्त तो जो 4 लोग थे तब वो भी बने थे। लेकिन आजकल के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर इतने उतावले हो गए कि चलो कांग्रेस में जाओ। अब कांग्रेस उनको वेट 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 वेट, बाहर रहो, खड़े रहो, अंदर रहो, विचार करेंगे, सोचते हैं। मैं तो प्रकाश अंबेडकर जी को कहता हूं कि मैं आपके ऊपर कभी टीका नहीं करता हूं, आज तक नहीं किया, क्योंकि आप भी अंबेडकरी आंदोलन के लिए लड़ते हो ना, तो मेरा आपसे अपील है कि आओ हम सारे महाराष्ट्र मिलकर सारे अंबेडकरी लोग इकट्ठे होते, दूसरे का बैंड बजाते, दूसरे का बैंड बजाते। क्या यह सोच महाराष्ट्र में बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही सॉल्यूशन है, यही रास्ता है। किसी दूसरे के दरवाजे पे जाकर टोकने हाथ में लेकर खड़े रहना यह रास्ता नहीं है, यह रास्ता नहीं है। 2-4 सीटों से, 2-4 MP MLA से समाज नहीं बदलता, 2-4 MP MLA से सरकार की नीति नहीं बदलती। सरकार की नीति बदलने के लिए उतने ही लेवल की ताकत लगती है, उतने ही लेवल का फोर्स लगता है। और मेरा मानना है
कि महाराष्ट्र के छोटे बड़े सारे अंबेडकरवादी आपस में मान सम्मान अपमान की परवाह किए बगैर जिस दिन इकट्ठे बैठेंगे महाराष्ट्र की राजनीति उनके पैरों तले खुद आएगी, उनको किसी के पैरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात को मानने वाला मैं, सिर्फ मानने वाला नहीं उसके लिए काम करने वाला हूं। उसके लिए खुद के पार्टी को सीटें मिलती है कि नहीं मिलती है इसकी परवाह न करते हुए इस जंग को अगर जीतना है, क्योंकि जंग एक दिन की नहीं है, ये जंग लंबी है, उसका एक रास्ता बहुत लंबा है। यह जंग जीतने के लिए कोई मान अपमान सहन करना पड़े तो भी करने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई दो चार चमचे साथ में रखकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर मुंह में नहीं खड़े किया जा सकता। कांशीराम जी हमेशा कहते थे ताली और गाड़ियों से कभी आंदोलन खड़ा नहीं होता, ताली और गाड़ियों से कभी मूवमेंट खड़ी नहीं होती, और ताली और गाड़ियों से कभी राजनीति नहीं खड़ी होती। उसके लिए कंस्ट्रक्टिव एजेंडा, संगठन, लीडरशिप के साथ काम करना पड़ता है। और वो लीडरशिप चाहे जंगल में रहने वाला आदिवासी हो, हमारे जराते जी आए थे पिछले महीने में अपनी पार्टी की बड़ी रैली गढ़चिरौली में संपन्न हुई। मेरा अध्यक्ष और प्रभारी यहाँ मंच पर बैठे हैं। गढ़चिरौली जैसे छोटे से आदिवासी बहुल जिला के में वो अगर अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं तो नागपुर लोकसभा के अंदर 5.5 लाख सिर्फ बुद्धिस्ट वोटर है, सिर्फ बुद्धिस्ट वोटर है। 30 लाख से ज्यादा ये नागपुर लोकसभा की सीट है, उसमें 5.5 लाख से ज्यादा बुद्धम शरणम गच्छामि वाले वोटर है। अरे इन्होंने भी मन में ठान लिया ना, हम किसी अपने बंदे को सांसद में भेज के रहेंगे, किसी के बाप की औकात नहीं उसको रोक सके। इतनी ताकत आपके बीच में है लेकिन ये ताकत का एहसास नहीं है। सिर्फ हाथी साथ में लेकर इधर उधर घूमना मतलब ताकत नहीं होती, हाथी पालने के लिए औकात लगती है। और इसलिए हमारे पृथ्वीराज जी जब वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र कर रहे थे इंडियन एक्सप्रेस का, तो इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा है कि दिस इज द टाइम टू लुक बियॉन्ड बीएसपी। अब बीएसपी छोड़कर और आगे देखने की जरूरत है, और छोड़ना इसलिए क्योंकि बीएसपी अब काम की नहीं रही। वो उस तरह का सारांश वो आर्टिकल का बड़ा है। ये जब और कोई लिखते हैं तो आप समझेंगे माने साहब आपने पार्टी बीएसपी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ही समय में 2014 के चुनाव में महाराष्ट्र में 6 सीटें 2 नंबर पे रही, यही उत्तरी नागपुर में हम 2 नंबर पे रहे, सबसे ज्यादा 56,000 से वोट लिए थे। क्या हमें खुशी होती है अपनी पार्टी को गिरते हुए देखकर? दुख होता है देखते हुए, क्योंकि जिन्होंने अपनी सालों साल मेहनत से आप जैसे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने मूवमेंट बनाते वक्त उसी राजनीतिक दल को बढ़ाया था, किसी को टिकट बेचकर पेट भरने के लिए थोड़े बढ़ाया था, किसी को घर में बैठकर परिवार पालने के लिए थोड़ा बढ़ाया था, किसी परिवार के प्रॉपर्टी के हिफाजत करने के लिए थोड़े बढ़ाया था। ये हमारे कतई लक्ष्य नहीं था, उसका कभी मकसद नहीं था। इसीलिए कांशीराम का चेला होना अलग बात है और उनकी मूवमेंट चलाना दूसरी बात, इसकी दूसरी बात है। और इसलिए अंत में मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, अंत में ये कहना चाहूंगा कि 20 तारीख तक हमें महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई कहता है, जो प्रोसेस जारी है उसके कुछ साक्षीदार 2-3 लोग इधर है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि प्रोसेस तो चल रही है, एक बड़ा इक्वेशन बनना चाहिए, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन बड़ा इक्वेशन मानते वक्त अगर कोई कहेगा कि भाई इस बार आप हमें समर्थन दे दो और हमारा सिर्फ झंडा उठाओ, तो क्या यह मंजूर होना चाहिए? क्योंकि झंडा उठाने से रिपब्लिकन पार्टी खत्म हुई, सिर्फ झंडा उठाने से लेफ्ट वाले खत्म हुए। सीपीआई सीपीएम के 2014 में 59 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अलायंस पॉलिटिक्स में लेफ्ट वाले चले गए, आज 4 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेफ्ट से नहीं है। आज रिपब्लिकन का नेता
नागपुर में नजर नहीं आता। कौन दिखता है? आप खुद को अपने आप को सवाल पूछिए और उसका जवाब ढूंढिए। क्या बाबा साहब की कंसेप्ट वाले रिपब्लिकन पार्टी को खत्म करना क्या ये आपके जिंदगी का मकसद है? क्या बगावत के तौर पर उभरी वही लेफ्ट फोर्सेस उनको खत्म करना क्या आपका मकसद है? और जिनको कभी भी बाबा साहब फुले शव अम्बेडकर की राजनीति दिल और दिमाग से पसंद नहीं है उनको ही बनाना क्या ये बाबा साहब के मूवमेंट का लक्ष्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकता। और इसलिए स्पष्ट रूप से हमने भूमिका लेना चाहिए, भाई हम आपका साथ तो देना चाहते हैं, आपका साथ तो निभाना चाहते हैं, लेकिन आप भी हमें साथ देने का अपना धर्म का उसका पालन करो जो राजनीतिक धर्म होता है। ये राजनीतिक धर्म होता है और हम में मानते खतरा है। शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन महाराष्ट्र में हो रहा है, देश के ऊपर मोदी सरकार करने जा रही, आदिवासी के जनगणना को नकार दिया, खुद कहते हैं पंतप्रधान मैं ओबीसी हूं, ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, आदिवासी हमारे मनावी बैठे, हमारे आदिवासी के अभी चार टुकड़े, क्योंकि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनको आदिवासी से निकाल दो, बड़ा षड्यंत्र है। फिर भी हमारे आदिवासी भाई लोग अभी भी बीजेपी के शरण में है, कोई ना कोई बीजेपी के शरण में है, ये सारे बड़े षड्यंत्र है। महाराष्ट्र में भारती नाम की अपनी छोटी सी संस्था है, ये भारती के कई दफ्तर नागपुर में है, वो दलित छात्रों को सिर्फ उनकी स्कॉलरशिप मिलने के लिए दो दो साल रुकना पड़ रहा है। क्या सरकारें आती है? महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी, शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने उस वक्त 7 मई 2021 का जीआर निकालकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन बंद करवाया। एक नागनाथ है तो दूसरा कांशीराम इसलिए याद आते, कांशीराम इसलिए याद आता कि एक वही है दूसरा भी वही है, मग आपल्या डोक्यात फार चांगले येतो दगडापेक्षा वीट मऊ। नागपुरात तर फारच त्याचे प्रचारक आहेत, नागपुरात फारच प्रचारक आहेत, दोन प्रचारक मोठे आहेत, दगडापेक्षा वीट मऊ, आणि दुसरा प्रचार म्हणजे आता हिंदू राष्ट्र येणार आहे। काय येणार आहे? हिंदू राष्ट्र। अरे मी म्हटलं तू कशाला बोंबलतोस हिंदू राष्ट्र येणार आहे, ते बीजेपी वाल्याला बोंबलू दे ना, त्याचा प्रचार तू कशाला करतोस? हिंदू राष्ट्र का प्रचार उसको करने दे ना, उसको करने दो, तुम की उसको प्रचार में लगे, त्यांचा प्रचार व्हायच्या अगोदरच आपलेच लोक त्यांचा प्रचार करणारे काम आहे। जिस दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा, सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कहा था दैट विल बी अ डे ऑफ डिजास्टर, देश के लिए खातक साबित होगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 18 करोड़ मुसलमान इस देश में है, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी है, तमिलनाडु एक अलग स्टेट है, वहां डीएमके पॉलिटिक्स है, वहां कोई हिंदू पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे कोस्टल के सारे क्रिश्चियन लोग हैं। इतने लोगों को ठुकरा कर किसी माई का लाल इस भारत को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, ये मेरा आपसे वादा है, कोई नहीं बना सकता। अंदर से कुछ भी कर दे, वैसे अभी भी कर रहे मोदी जी, आजकल जब भी देख के मंदिर में ही नजर आते, कभी समुन्द्र में नजर आते, कभी किसी पहाड़ में बैठे हुए ध्यान साधना करने नजर आते, इसलिए उनका मीडिया सेल काफी मदद करता है, ये सब दिखता है। इसके बावजूद मैंने कहा ना, ये दिखने के कारण जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हमने बाबा साहब की राजनीति को कमजोर किया है, हमने बाबा साहब की राजनीति को मजबूत नहीं किया है। बाबा साहब की जिस दिन राजनीति आप मजबूत करोगे, ये आपको दिखना बंद होगा। तमिलनाडु में तमिलनाडु वालों ने डीएमके की राजनीति मजबूत की, वहां ये नहीं दिखता, वहां ये देखने को नहीं मिलता। झारखंड में आदिवासी लोगों ने अपनी झारखंड की आदिवासी राजनीति मजबूत बनाई, झारखंड में यह नहीं दिखता।
क्यों ना हम सोचे हम सारे मिलकर महाराष्ट्र में अंबेडकराइट पॉलिटिक्स मजबूत करें तो ये भी महाराष्ट्र में दिखना बंद होगा। इस तैयारी में आने वाले चुनाव में बीआरएसपी अपनी भूमिका निभाएगी और जरूरत पड़ी तो अपने भी उम्मीदवार उतारेगी तो ध्यान रखेंगे कि बीजेपी को फायदा ना, इसका ध्यान रखेगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, नागपुर में कौन लड़ता है गडकरी के खिलाफ, कौन सा कांग्रेस वाला, कौन लड़ता, किसी को गारंटी नहीं। तो हमारे देश से अपने नीले झंडे वाले खड़े रहे तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई, क्या जाता है? आपकी दुकान बंद करना है, हमारी दुकान चलनी चाहिए, ये कौन सा बहाना भाई। और जिस मोदी की गारंटी लेकर सब कहते हैं ना, मोदी की गारंटी तो मुनगट्टीवार चंद्रपुर के कहते हैं, यार मेरे को चुनाव मत लड़वाओ, गारंटी मेरे काम नहीं आएगी। बीजेपी में डरे हुए लोग भी बहुत हैं कि मोदी की गारंटी यह काम नहीं करेगी। जब वो अपने गारंटी को गारंटी नहीं मान रहे तो हमें अपने गारंटी को गारंटी मानने में दिक्कत क्या। ये हमारी साइकोलॉजिकल बैटल है, हमारी मानसिकता का ये जंग है, उस जंग को में हमने स्वीकार करना चाहिए। और बीआरएसपी जरूरत पड़ी तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, मेरा गुजरात का वाइस प्रेसिडेंट इधर मंच पे है, हमारे एनडी सोलंकी इधर मंच पे है, गुजरात में कम से कम 10 सीटों पर बीआरएसपी उतरेगी, गुजरात में भी उतरेगी, तेलंगाना में भी उतरेगी, हरियाणा में भी उतरेगी। और मेरे यादव जैसे मित्र कई राज्यों में है, इसलिए मैंने कहा ना अगर जरूरत पड़ी तो 100 सीटों पे भी उतरने के अवकाश हम सब लोगों में है। क्यों मालूम है कि जिस दिन किसी को पता चलेगा कि 100 लोग उतारने की ताकत इनमें है तब वो आपसे कभी बात करेंगे, नहीं तो आप नहीं उतारोगे तो समझ जाएंगे इनके पास कोई है ही नहीं। और इसलिए लड़ना सीखो। कांशीराम की जयंती मनाना है तो फोटो का उद्घाटन एक अपनी प्रक्रिया है, लेकिन कांशीराम की बात मानना है तो लड़ना सीखना चाहिए। बाबा साहब कांशीराम लड़ने को सीख देते हैं, वो सीख हमने आपस में अपने अंदर डालकर आने वाले दिनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो आर्थिक लेवल का हो, शारीरिक लेवल का हो, मैं शारीरिक लेवल का भी कह रहा हूं, क्योंकि दुश्मन कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे आंदोलन गायरान धारकों का हो, चाहे आंदोलन हमारे माटे जी मंच पर बैठे हैं, हमारे कोसे खुर्द डैम प्रकल्प ग्रस्तों वालों का आंदोलन हो या राजनीतिक लड़ाई हो, रिस्क तो उठानी पड़ती है, धोखे तो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। राजनीति बिना धोखे का खेल नहीं है, और जिसने धोखा हिम्मत एक्सेप्ट करने की है वही राजनीति कर सकते हैं, डरपोक लोगों का राजनीति काम नहीं है। और इसीलिए 20 तारीख तक और सब्र करेंगे और 20 तारीख के बाद अपने पूरे पत्ते खोलकर मैदान में आएंगे। अगर आपकी सोच बीआरएसपी के साथ मिलजोल खाती है तो आप तन मन धन के साथ, पूरी हुनर के साथ, पूरी जोश के साथ बीआरएसपी के कैडर के साथ मिलकर, बीआरएसपी की दोस्त पार्टियों के साथ मिलकर, जैसे हमारे गढ़चिरौली में हमारे ये दूसरे साथी आए, रामदास जी आए, ऐसे साथी कई जिलों में, उन साथियों से मिलकर अपना एक अलग ताकत का एहसास कराइए। कांशीराम जी यही बात बार बार कहते थे और अंत में कहते थे, इस बारे में मैं भी ज्यादा सोचता हूँ, आप भी जरा सोचने का काम करिए। उसी बात को मैं दोहराते हुए, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, यह कहकर पुनः से एक बार आयोजक का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साहेब सविस्तर मार्गदर्शन केल्याबद्दल। आणि यानंतर मी नागपूर जिल्हा बीआरएसपीचे अध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगार यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेचं आभार प्रसन्न करावं। बहुजन समाजातील जन्मलेल्या सर्व महापुरुषांना माझा विनम्र अभिवादन। 15 मार्च कांशीराम साहेब जयंतीनिमित्त चुनावी महारॅलीच्या या हजारोच्या भीड मध्ये
सभा संपन्न झाली आणि या सभेला मुख्य मार्गदर्शक म्हणून आमचे मार्गदर्शक ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने सर आम्हाला इथे अमूल्य मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांना मी आभार त्यांचा आभार मानतो. त्याचप्रकारे NILचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व अल्पसंख्यक आयोगचे सचिव सन्माननीय मोहम्मद सुलेमान साहेब यांचा सुद्धा मी धन्यवाद मानतो. उसी प्रकार रामबक्जी वर्मा पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश, इनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ. उसी प्रकार माननीय